नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका बोला लश्कर सैकड़ों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार। अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा को अमेरिकी नागरिकों समेत सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बताया। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि मैं हाफिज सईद के बारे में किसी भी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। उसे आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ उसकी संबद्धता के कारण लक्षित प्रतिबंधों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अलकायदा प्रतिबंध समिति या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति ने किया है। टोनर ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि लश्कर एवं सईद दोनों को अमेरिका सरकार ने सूचीबद्ध किया है। लश्कर आतंकवादी हमलों में अमेरिकी नागरिकों समेत सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत के लिए निसंदेह जिम्मेदार है। वर्ष 2008 में मुंबई में किए गए आतंकवादी हमले में लश्कर के 10 आतंकवादी शामिल थे। इन हमलों में 166 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 300 लोग घायल हो गए थे। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली पर करार करेंगे रूस और भारत। रूस के सरकारी मीडिया ने बताया कि गोवा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता के बाद दोनों देश शनिवार को S-400 ट्रफ लंबी दूरी की क्षमता वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए कई अरब डॉलर के करार पर हस्ताक्षर करेंगे। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव के हवाले से तास समाचार एजेंसी ने कहा कि भारत को S-400 ट्रफ विमानरोधी मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पर एक समझौता किया जाएगा। भारत 3 प्रकार की मिसाइलों पर निशाना साधने में सक्षम सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली में से 5 प्रणालियां हासिल करने में रुचि रखता है। इसमें अपनी तरफ से आ रहे दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोनों को 400 किलोमीटर तक के दायरे में मार गिराने की क्षमता है। केदारनाथ के निकट फिर नरकंगाल मिले। उत्तराखंड में आई प्रलयकारी प्राकृतिक आपदा को गुजरे 3 वर्ष से ज्यादा गुजर जाने के बाद केदार घाटी में घने जंगलों के बीच सुनसान इलाके में कुछ नरकंकाल बिखरे पड़े मिले हैं, जिससे यह आशंका पैदा हो गई है कि कहीं वे उन श्रद्धालुओं के तो नहीं जिन्हें आपदा में प्राण गंवाने पड़े थे। रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी राघव लंगर ने बताया कि सूचना मिलने के बाद तथ्यों का पता लगाने के लिए पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम को मौके पर भेजा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमें मीडिया से ही पता चला है कि त्रिजुगी नारायण के आसपास घने जंगल वाले क्षेत्र में कुछ नरकंकाल पड़े हुए हैं। हमें अभी यह भी नहीं पता चला है कि उन्हें किसने देखा और उनकी संख्या कितनी है।